संसद में राहुल प्रधानमंत्री मोदी से जाकर गले मिले, इसको लेकर सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में ही बयानबाजी नहीं हो रही है। यकीन मानिए, देश भर में दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे जायज ठहरा रहे हैं तो कुछ संसदीय परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के सदन में प्रधानमंत्री से गले मिलने और बाद में अपने साथी को आंख मारकर राहुल ने सदन की गरिमा का अपमान किया या नहीं, कोई गलती की या नहीं, इस सवाल का जवाब आपको वायरल सच देगा। सदन में राहुल गांधी पीएम मोदी के पास जाकर गले मिले और वापस लौटकर अपनी सीट के बगल में बैठे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया से आंख मारकर मुस्कुराए और कुछ कहा। इस पर संसद में और सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया का भूकंप आ गया है। श्री राहुल गांधी ने गले लगाने की चेष्टा की, वो बचकाना हरकत, उम्र बढ़ गया लेकिन बचकाना नहीं गया। सदन का नियम भी नहीं जानते, नियमों को पानी में बहा दिया। कांग्रेस के संस्कार, कांग्रेस की भावना, उसको उन्होंने सामने लाया कि जो भी हमारे राजनैतिक मतभेद हैं, फिर भी हम अपने राजनैतिक विरोधी को, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, उसको निजी विरोधी नहीं मानते। ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन सोशल मीडिया भी गले मिलने और आंख मारने के मुद्दे पर दो धड़ों में बटा था। एक खेमा इसे जायज ठहरा रहा था और दूसरा खेमा इसे सदन का अपमान बता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी की सीट पर पहुंचकर उनसे गले मिलना राहुल की गलती है और उसके बाद अपनी सीट के बगल में बैठे साथी को हंसकर आंख मार के राहुल ने सदन का अपमान किया है? क्या सदन के नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोकसभा के पूर्व सचिव एस के शर्मा से मिले, जिन्हें सदन के नियमों की गहरी जानकारी होती है। हमने उनसे पूछा कि राहुल ने पीएम की कुर्सी पर जाकर जो उन्हें गले लगाया, वो सदन की परंपरा और नियमों के मुताबिक है या नहीं। नियम अमूमन तो ये कहते हैं कि आप अपनी सीट छोड़ के दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया और प्रधानमंत्री के पास गए, उन्हें गले मिले। सच्ची पूछे तो ये हमारे प्रजातंत्र की, संसदीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र के पूर्व सचिव ये तो कहते हैं कि नियम नहीं है, लेकिन फिर उसे प्रजातंत्र की खूबसूरती बता रहे हैं। भारत का संविधान और संसद लिखित नियमों से ज्यादा मान्यताओं पर चलता है और सदन की मान्यता और नियम पर निर्णायक अधिकार स्पीकर को दिए गए हैं। सुनिए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी के रवैये पर कैसे आपत्ति जताई और ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी का आचरण मर्यादा के मुताबिक नहीं था। हाउस में ऐसा होता नहीं है, हाउस के डेकोरेशन में नहीं है, एंड आफ्टर ऑल पद की भी एक गरिमा होती है। उस समय मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ही इज सिटिंग इन द प्राइम मिनिस्टर सीट, तो प्राइम मिनिस्टर के सीट पे बैठते हुए एक अपना डेकोरम तो होता है कुछ, और हमारा भी डेकोरम होता है, संसद सदस्य का भी अपना व्यवहार का एक डेकोरम होता है। प्लीज। सुमित्रा यही नहीं रुकी, गले लगने के बाद अपनी सीट पर राहुल गांधी के आंख मारने को भी स्पीकर सुमित्रा महाजन ने गलत आचरण माना। मैं किसी को गले लगाने के लिए मना थोड़ी करूंगी, मैं भी माँ हूँ तो मुझमें भी सब प्रकार के भाव है प्रेम के। वापस यहाँ आके आंख चमकाना, ऑल दैट बिहेवियर इज नॉट। हमारी पड़ताल में स्पीकर के मुताबिक सामने आया कि राहुल गांधी का सदन में अचानक प्रधानमंत्री के सीट पर जाकर उन्हें अचानक गले लगाना और लौटकर अपनी सीट के बगल में बैठे साथी को हंसकर आंख मारना संसदीय गरिमा के विरुद्ध है। राहुल गांधी का आचरण संसद की गरिमा के खिलाफ है, ये दावा सच साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।